तो देखें, अब हमारे पास जो आज टॉपिक है वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन, आजकल बड़ा नाम भी सुना होगा आपने म्यूटेशन के अंदर, म्यूटेंट हो गया है, और जो है वो क्या कहते हैं आपका जो कोरोना वायरस है उसमें म्यूटेशन आ गई है, उसका म्यूटेंट स्ट्रैंड आ गया है। सुन रहे होगे ना ये बातें ज्यादातर। चलें सही, अब म्यूटेशन देखते हैं कि म्यूटेशन होता क्या है। सबसे पहले तो म्यूटेशन को अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं, चेंज इन जेनेटिक मटीरियल, चेंज इन जेनेटिक मटीरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन। होगो डी वेरीज एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले म्यूटेशन का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया था, ये म्यूटेशन थ्योरी दी थी। डी वेरीज साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले जो है वो म्यूटेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया। म्यूटेशन के बारे में जो है वो कहा जा रहा है, जेनेटिक मटेरियल में जो चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेसिकली म्यूटेशन। अब देखो, सबसे पहले तो जेनेटिक मटेरियल को एक दफा फिर समझ लो, जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, कौन से जेनेटिक मटेरियल में चेंज आता है। अब जेनेटिक मटेरियल में जो चेंज आता है, जेनेटिक मटेरियल में जो चेंज आता है, तो जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है जिसमें चेंज आ सकता है। अब देखो, अपनी बात करते हैं, हम इंसानों की बात करते हैं, हम ह्यूमन के अंदर जो है वो एक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स हैं, और क्रोमोजोम्स के अंदर डीएनए है, और डीएनए पर सारे जेनेटिक कोड लगे हुए हैं। तो इसका मतलब डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। डीएनए और डीएनए क्योंकि क्रोमोजोम्स के अंदर होता है, तो एक तरीके से क्रोमोजोम भी हमारे जेनेटिक मटेरियल का ही एक पार्ट हो गया, क्योंकि डीएनए हमारे क्रोमोजोम्स के अंदर है ना, हमारा क्रोमोजोम डीएनए और प्रोटीन से ही तो बना हुआ है। तो हमारा क्रोमोजोम भी क्या हो गया? डीएनए का एक, उसका जेनेटिक मटेरियल का क्या हो गया? एक पार्ट हो गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे क्रोमोजोम में कोई चेंज आ जाए, अगर हमारे इस क्रोमोजोम में कोई चेंज आ गया तो वो भी म्यूटेशन है, और अगर क्रोमोजोम में कोई चेंज नहीं आए लेकिन उसके अंदर जो डीएनए है इसके अंदर कोई चेंज आ गया तो भी क्या होगा? तो भी वो म्यूटेशन ही होगी। तो बात समझ में आ गई कि म्यूटेशन के अंदर जो है वो क्रोमोजोम में कोई तब्दीली आ जाए तो भी म्यूटेशन है, और डीएनए में कोई चेंज आ जाए तो भी क्या होगी? वो म्यूटेशन होगी। अच्छा, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन एक बात याद रखना, वायरस को छोड़कर कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। अच्छा, ये अब आपने मुझे बताना है कि कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है या आरएनए, अभी भले नहीं बताओ, फिर बाद वाले लेक्चर के अंदर बता देना, सही, अगर पता नहीं है तो इसको देखना। अच्छा, अब जेनेटिक मटेरियल जो होता है, हमने क्या बात की, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि म्यूटेशन किसको कह रहे हैं, म्यूटेशन कह रहे हैं चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल में जो चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। अब म्यूटेशन क्यों होता है और म्यूटेशन की वजह क्या होती है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन की कितनी टाइप्स हैं। म्यूटेशन की टाइप्स सबसे पहले तो देखेंगे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस, यानी जहां म्यूटेशन हो रही है उसकी बेस पे, क्योंकि म्यूटेशन को डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, हम म्यूटेशन की वो टाइप देखेंगे जो आपकी बुक में बताई गई है, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस, जिस जगह पर म्यूटेशन हो रही है। तो दो तरह की म्यूटेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस, एक क्रोमोजोमल म्यूटेशन, एक क्रोमोजोमल म्यूटेशन, और एक होती है जीन म्यूटेशन। एक कौन सी हो गई? जीन म्यूटेशन। अब देखो, वही वाली बात दोबारा कर लेते हैं कि ये आपका सेल है, आपके सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोजोम है, और क्रोमोजोम के अंदर क्या है? क्रोमोजोम के अंदर ये डीएनए है। अब अगर आपके इस क्रोमोजोम में कोई तब्दीली आ जाती है, क्रोमोजोम में क्या तब्दीली आ सकती है? क्रोमोजोम का ये एक पार्ट ब्रेकडाउन हो गया, ये पार्ट था क्रोमोजोम का, ये ब्रेकडाउन हो गया। अब ये कौन सी म्यूटेशन हो गई? ये हो गई क्रोमोजोमल म्यूटेशन, जो आपको नजर आ रहा है बकायदा क्रोमोजोम के अंदर। और दूसरे नंबर पर क्या होता है कि अगर इस क्रोमोजोम के अंदर के नंबर ज्यादा हो जाएं, एक से दो हो गया या बढ़ गया नंबर इसके क्रोमोजोम के, या कम हो जाएं क्रोमोजोम, तो ये सारी की सारी जो क्रोमोजोम के अंदर चेंज आएगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे क्रोमोजोमल म्यूटेशन।
बात समझ में आ गई क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होगी? या तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर चेंज हो जाए या क्रोमोसोम्स के नंबर चेंज हो, ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों कहलाएंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अच्छा, दूसरी म्यूटेशन वो होती है जिसको हम कहते हैं जीन म्यूटेशन। अब देखो ये जीन म्यूटेशन क्या होती है, अब ये जीन म्यूटेशन इस तरह से होगी कि अब क्रोमोसोम जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। जैसे मैं यहां पर एक क्रोमोसोम बना देता हूं, ये देख लो इस क्रोमोसोम में तो कोई तब्दीली नहीं आई, ऐसा का ऐसा है, मगर इस क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए था उसके डीएनए के अंदर जो जेनेटिक कोड थे, ये न्यूक्लियोटाइड के जो कोड थे, न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस था कोड का, ये चेंज हो गया, इसके जीन में कोई तब्दीली आ गई अंदर, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे जीन म्यूटेशन। यानी क्रोमोसोम तो बिल्कुल सही आपको नजर आ रहा है, उसके अंदर कहीं जाकर जेनेटिक कोड चेंज हो गया। वो कैसे चेंज होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी मैं आपको सिंपली इसका एक जो है आउटफ्लो बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ म्यूटेशन का, तो समझ आ गया उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे जीन म्यूटेशन। अब देखो जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन को, और उसके बाद जो है वो कौन सी म्यूटेशन को डिस्कस करेंगे? उसके बाद डिस्कस करेंगे जीन म्यूटेशन को। पहले क्रोमोसोमल म्यूटेशन डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग जीन म्यूटेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन को, जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है ना, इसको भी जो है वो मैं दो पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देता हूँ। इसको भी मैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन को भी दो पार्ट्स के अंदर, दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूं। एक होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल, एक वो होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल एबीरेशंस, और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं हेटेरोपोलाइडी। हेटेरोपोलाइडी आपका इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ, ये चैप्टर नंबर 7 में दिया हुआ है, मगर क्योंकि ये इसका एक पार्ट है तो मैं आपको यही बता रहा हूं इसको। अब देखो क्रोमोसोमल म्यूटेशन को दो में डिवाइड किया है, एक तो क्रोमोसोमल एबरेशन और दूसरा है हेटेरोपोलाइडी। अब इसमें दोनों में देखो फर्क क्या है, इसमें जो होता है, इसमें होता है मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन क्रोमोसोम। मिसाल के तौर पे ये क्रोमोसोम है, इसकी मॉर्फोलॉजी में, इसकी स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली आ जाती है। स्ट्रक्चर में तब्दीली आने का मतलब क्या है? जैसे ये क्रोमोसोम का एक पार्ट था, ये यहां से टूट गया, ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज आ गया ना, इसमें इसका एक पार्ट टूट गया, तो ये कैसा चेंज आ गया? ये आ गया इसका मॉर्फोलॉजिकल चेंज, ये इसका एक पार्ट टूट गया, ये एक मॉर्फोलॉजिकल चेंज है। या ये क्रोमोसोम है, किसी दूसरे क्रोमोसोम का पार्ट इसके साथ आकर अटैच हो गया, तो ये भी क्या है? ये भी एक मॉर्फोलॉजिकल चेंज है। जब फिजिकल या मॉर्फोलॉजिकल कोई चेंज आता है क्रोमोसोम में, तो ऐसी क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। ये आपकी बुक में दिया हुआ है। फिर हेटेरोपोलाइडी क्या होती है? हेटेरोपोलाइडी कहते हैं न्यूमेरिक चेंज, यानी नंबर्स में चेंज आना। अगर किसी के पास क्रोमोसोम, जैसे हमारे पास क्रोमोसोम 46 है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया 47 हो गए, या एक क्रोमोसोम कम हो गया हमारे पास 45 हो गए, तो अब ये जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है इसमें क्या हुआ है? क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो गए। जब क्रोमोसोम के नंबर चेंज होते हैं तो ऐसी क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं? ऐसी क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हम कहते हैं हेटेरोपोलाइडी। यहां तक बात क्लियर हो गई टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में। फिर ऐसे ही जीन म्यूटेशन की भी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले जो, अब क्योंकि अभी टाइम खत्म होने वाला है, तो सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूंगा वो किस चीज को डिस्कस करूंगा? मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ इस क्रोमोसोमल म्यूटेशन को, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ अगर टाइम हुआ तो फिर हम जीन म्यूटेशन को भी डिस्कस करेंगे। आज जो म्यूटेशन के हवाले से मैंने आपको बात बताई, सबसे पहले हमने ये बात कर ली कि म्यूटेशन क्या होती है? चेंज इन जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल में जब कोई तब्दीली आती है तो इसको हम जो है वो क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं म्यूटेशन। हमारे क्रोमोसोम्स और हमारे जीन, हमारे क्रोमोसोम और हमारे डीएनए, ये दोनों किसका पार्ट है? ये दोनों जो है वो जेनेटिक मटीरियल ही का एक तरीके से पार्ट है। अब अगर क्रोमोसोम में कोई तब्दीली आती है तो वो भी म्यूटेशन है, और जीन के अंदर जेनेटिक कोड में कोई तब्दीली आती है तो वो भी क्या है? म्यूटेशन है। जब क्रोमोसोम में कोई तब्दीली आती है तो उसको क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं, जब जीन में कोई तब्दीली आती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जीन म्यूटेशन कहते हैं। अगर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में कोई चेंज आएगा तो ऐसी क्रोमोसोमल म्यूटेशन को कहेंगे क्रोमोसोमल एबरेशन, और अगर
क्रोमोसोम्स के नंबर में कोई तब्दीली आएगी तो उसको हम कहेंगे हेटरोपोलाइटी। अब क्रोमोसोमल एब्रिएशन की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं और किसकी हेटरोपोलाइटी की भी क्या होती हैं डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इसको फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करूंगा। आज सिर्फ यहीं तक रखते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो करो।